दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि आपके हेयर और स्किन का 80% प्रॉब्लम का सलूशन है। आज का प्रोडक्ट है दोस्तों काओलिन क्ले, एजटेक सीक्रेट का काओलिन क्ले, ये है वो प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, ये जो काओलिन क्ले है, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसमें सारा इसेंशियल मिनरल होता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से ये हमारे हेयर और स्किन का बहुत काम आता है। तो ये जो एजटेक सीक्रेट है, ये काओलिन क्ले का नंबर वन ब्रांड बनाती है और इसको प्यूरिफाइड करके आपके पास पहुंचाती है। और ये 100% प्योर है, यहाँ पे कोई भी पैराबिन या कोई भी केमिकल्स, कलर कुछ भी यूज्ड नहीं किया जाता है, 100% होता है। इसका क्वांटिटी आप देखिए, इतना सा बड़ा है, आराम से 3-4 महीने किसी का भी चल सकता है ये। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, इसीलिए इसका रिव्यू भी बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये काओलिन क्ले क्या होता है। चीनी मिट्टी चीन में पाई जाने वाली कोई भी मिट्टी नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। लेकिन काओलिन, चीन के काओलिन जो माउंटेन है, वहाँ पे इसका माइन हुआ करता था, इसलिए इसका नाम भी ऐसा पड़ा, चीनी मिट्टी, काओलिन क्ले। तो दोस्तों पहले मैं बता दूँ ये हम क्यों यूज करें, इसका बेनिफिट्स। नंबर वन, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आप इसको लगा रहे हैं तो आप अपने स्किन में कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। नंबर टू, आप इसको अगर यूज कर रहे हैं तो ये आपके स्किन का एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब करता है और स्किन सरफेस से जो सीबम प्रोडक्शन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है, और नेचुरल जो ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस करता है। मतलब कि आपके स्किन का एक गुड पीएच प्रोवाइड करता है आपको। नंबर थ्री है दोस्तों कि आप एज अ क्लींजर इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, उसका टेक्निक मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन इसका यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपके स्किन के ऊपर से डार्क पार्टिकल और पॉल्यूटेंट्स का जो पार्टिकल होता है, वो आपके ओपन स्किन पोर से ये हटाता है, आपके एक्नी प्रॉब्लम को बाय बाय करता है। नंबर फोर, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से ब्लैक हेड्स और एक्नी का प्रॉब्लम दूर रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। नंबर फाइव है कि आपका स्किन में अगर कोई इंसेक्ट बाइट है, इचीनेस है, सेंसिटिव स्किन है आपका, रैशेस है, तो इसको लगाने से आपको एक सूदिंग फीलिंग मिलेगा, क्योंकि इसमें एक माइल्ड हीलिंग इफेक्ट होता है। हीलिंग इफेक्ट है, इसलिए लगाने से सूद होता है आपका स्किन और जो रैशेस वगैरह होता है वो भी हील होता है। नंबर सिक्स है, ये आपके स्किन को एक इवन टोन देता है। इवन टोन, अगर आप इसको यूज डेली करें तो आपके स्किन में नोटिसेबल चेंज आ जाता है। तो जब भी यूज करें, तब भी फेस और नेक में साथ में यूज करें, एक इवन टोन पाने के लिए। नंबर सेवन है, एज अ नेचुरल शैम्पू, स्किन के साथ साथ आप इस ये हेयर पे भी लगा सकते हैं, और हेयर में जो स्कैल्प में आपका पॉल्यूटेंट है, बैक्टीरिया है, इसको ऑयल है, इसको दूर करता है ये, और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपके बढ़ाता है स्कैल्प में, तो आपका हेयर के ग्रोथ नेचुरली बढ़ता है। तो ये है सारा इसका यूज, मतलब क्यों यूज करें। अभी बता देते हैं कि कौन कौन कब कब यूज करें इसको। अगर आपके स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है, तो आप इसको हफ्ते में 2-3 बार ही यूज करें, और अगर आपकी स्किन ऑयली है और सेंसिटिव है, तो आप इसको पर डे यूज कर सकते हैं अपने क्लीन फेस पे, और इसमें डेली लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब एक स्मूथिंग चेंज आता है स्किन में, ग्लोइंग चेंज आता है, ये आप नोटिस कर सकते हैं एक बार लगाने से। नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ कि इसको यूज कैसे करें, आइए देख लेते हैं। एज अ फेस मास्क आप इसको कैसे यूज कर मैं दिखाती हूँ। पहले बता दूं कि क्लींजर के तरीके आप इसको यूज करें तो क्या करें, थोड़ा सा हाथ के ऊपर पाम में आप थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, थोड़ा सा काओलिन क्ले लीजिए, उसको जेंटली आप मिला दीजिए और जेंटली अपने फेस पे रब कीजिए और उसको ठंडे पानी से धो लीजिए, तो आपके फेस ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। ये इसको, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, इसलिए ये क्लीन करता है फेस को। आइए देखिए, देख लेते हैं कि एज अ फेस मास्क आप अगर इसको यूज करना चाहे तो कैसे करेंगे। पहले मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ पास से आपको। देखिए इसका जो कलर है बिल्कुल व्हाइट,
और जितना व्हाइट आपका ये काओलिन क्ले होता है उसका क्वालिटी उतना अच्छा होता है। आप देख के ही पहचान सकते हैं कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा है। चलिए अगर हमको फेस मास्क बनाना है, एक बॉल लेते हैं, उसके ऊपर 2 चम्मच लेते हैं काओलिन क्ले और उसके बाद थोड़ा सा पानी हो, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो या फिर एलोवेरा जेल हो, रोज वाटर हो, किसी के भी साथ ही मास्क बन सकता है और हेल्दी मास्क बन सकता है, सारे नेचुरल चीज़ से बनता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, एक गाढ़ा थिक इसका पेस्ट हमको बनाना है। इसे रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं प्लेन वाटर यूज कर रही हूँ। और जब भी दोस्तों आप पहली बार किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें तो पहले अपने हाथ में ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके स्किन को कोई इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से तो वो पता चल जाएगा ना फेस में यूज करने से पहले। आइए देख लेते हैं इसको लगाते कैसे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 10 मिनट ज़रूर रखना है, क्योंकि 10 मिनट्स के बाद ही काओलिन क्ले इफ़ेक्ट स्टार्ट करता है, और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो आपके स्किन में कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अच्छा है कि 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में आप किसी भी टाइम में तक रखिए और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और लगाने से बहुत ही सूदिंग फीलिंग आता है, मुझे पता चल रहा है अभी लगाते लगाते। तो दोस्तों मिलते हैं। देखिए 15 मिनट हो चुका है, अब मैं अपने फेस को धो लूंगी। दोस्तों मैंने धो लिया है ठंडे पानी से अपने पूरा फेस और नेक को, आप देख सकते हैं लेकिन बस स्मूथ और ग्लोइंग एक इफेक्ट आया है, देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका प्राइस वगैरह जानना है, लेना है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना और ख़रीदना, बहुत ही सही प्रोडक्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।